फिरोजाबाद में मिशन शक्ति के तहत महिलाओं बच्चियों को जागरूक किया गया। आज दिनांक 30/11/2023 को ऑपरेशन जागृति अभियान के क्रम में रीओरिएंटेशन कार्यक्रम के क्रम में थाना उत्तर चित्रा अंतर्गत पालीवा ऑडिटोरियम के अपर पुलिस अधीक्षक नगर एवं ग्रामीण यूनिसेफ के पदाधिकारीगण एवं अन्य सभी संबंधित विभागों अधिकारीगणों की उपस्थिति में एक गोष्ठी आयोजित की गई, जिसमें जनपद पुलिस के समस्त क्षेत्रगणी एवं थाना प्रभारीगण एवं पुलिस बल के मौजूद रहे। गोष्ठी के दौरान सभी लोगों से वार्ता करते हुए उन ऑपरेशन जागृति के उद्देश्यों के संबंध में विस्तृत जानकारी प्रदान की गई और अभियान का जन जन प्रचार प्रसार करने की अपील की गई। सौराज सिंह, फिरोजाबाद, समाचार 24। पुलिस प्रशासन क्या सहयोग रहेगा? देखिए, जैसा कि आप सभी अवगत हैं कि आगरा जोन में एडीजी मैम के निर्देशन में एडीजी मैम की परिकल्पना है ऑपरेशन जागृति के रूप में हम लोग पूरे जोन के सभी 7 जिलों में चलाया जा रहा है। इसमें मुख्य रूप से जो हमारे समाज में कुछ वैचारिक परिवर्तन का प्रयास किया जा रहा है, जिससे बहुत सारे इशूज ऐसे हैं जो हमारे ऑलरेडी जिसका संबंध सीधे पुलिसिंग से है, वो सारे इश्यूज़ इसमें एड्रेस हो जाएंगे। इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए, सिस्टमैटिक तरीके से इसको आगे चलाने के लिए यूनिसेफ का बहुत बड़ा सहयोग मिल रहा है। हमारे मंसूरी जी हैं, उनके उनकी टीम के द्वारा हर जनपद में अपनी एक टीम बनाई गई है और सभी लोग मिलकर के बहुत सिस्टमैटिक तरीके से इस पूरे कार्यक्रम में ट्रेनिंग देना, उसके मटेरियल्स तैयार करना और उसके बाद उसको धरातल पर लेके जाना, ये सारी कार्रवाई शुरू हो गई है। ये कार्यक्रम हमारा लगभग आज कल तक हमारे जनपद में इसमें मुख्य रूप से 3 स्तरीय जो कार्यक्रम है उसमें ब्लॉक ट्रेनिंग का जो कॉन्सेप्ट था उन ब्लॉक ट्रेनिंग्स को हम लोगों ने समाप्त कर लिया है और 25 तारीख से ही, पिछले 5 दिनों से ही हमारा ट्रेनिंग के पश्चात गांव ग्राम पंचायत में जाने का जो हमारा इशू था वो ग्राम पंचायत में भी हम लोग जाना शुरू कर दिए हैं। और मैं आप लोगों को ये शेयर करना चाहूँगा कि पूरे जोन में हमारा ग्राम पंचायत की कवरेज का जो परसेंटेज है उसमें हम लोग सेकेंड पोजिशन पर चल रहे हैं, इसलिए कि हम लोग मैक्सिमम हमारी टीमें जो हमारे थाने की टीम है ये सभी लोग वहाँ जा रहे हैं। मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये कार्यक्रम केवल पुलिस डिपार्टमेंट और यूनिसेफ ही नहीं कर रही है, बल्कि हमारे प्रशासन की 7 डिपार्टमेंट के लोग इसमें हमारा सहयोग कर रहे हैं और बड़े तनमन से सभी लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं, जिसमें मुख्य रूप से स्वास्थ्य, शिक्षा, ग्रामीण विकास, पंचायती राज, NLRM, ये सारे लोग जो हैं हमारे साथ कंधे से कंधे मिलाकर और ब्लॉक लेवल ट्रेनिंग में भी साथ रहे हमारे, और उसके बाद जो स्कूल थाने में हम लोगों ने ओरिएंटेशन किया उसमें भी साथ रहे और ग्राम पंचायत में भी जो उस लेवल की टीम्स हैं, उस लेवल के अधिकारी हैं, वो सभी लोग उनके साथ जा रहे हैं। इस प्रकार हम लोग इस ऑपरेशन जागृति को, जो हमारा लगभग 3 महीने तक चलने वाला कार्यक्रम है, इसको एडीजी मैम के निर्देशन में इसके ऊपर काफ़ी हम लोग एक तरह से इसको रिव्यू कर रहे हैं, समीक्षा कर रहे हैं और उसको ये कोशिश कर रहे हैं कि जो हमारा उद्देश्य है, ये 4 मुख्य उद्देश्य हैं हमारे। एक तो सबसे पहला उद्देश्य ये है कि जो हिंसा की शिकार हमारी महिलाएं बच्चियां हैं उनको हम मैक्सिमम सर्विसेज दे करके, उनको काउंसिल करके, उनको एक तरह से सही मुख्य धारा से तो खैर जुड़ी होती हैं, सही ट्रैक पर उनको लाया जाए, उनको जो एक मानसिक प्रताड़ना हुई है उससे उनको निकाला जाए। तो इस तरीके से पहला मेरा उद्देश्य ये है। बेसिकली मिशन जागृति जो हमारे अपने प्रदेश में चलाया जा रहा है ये उसी का एक्सटेंशन आप मान सकते हैं। दूसरा उद्देश्य ये है कि इसमें हम लोग जो फॉल्स केसेस हमारे यहाँ रजिस्टर होते हैं, बहुत सारे केसेस आप लोग के संज्ञान में भी है कि विवाद कुछ और होता है लेकिन महिला सदस्य को आगे करके FIR कराए जाते हैं, तो इसको कैसे इसको रोका जाएगा। तीसरा उद्देश्य इसका है कि आपने देखा होगा कि हमारे बच्चे बच्चियां समाज में, हम चूंकि बहुत सारी चीज़ें उनसे वार्ता में नहीं कर पाते, उनको नहीं समझा पाते, उनसे हमारा इंटरेक्शन उनके जीवन से जुड़े हुए बहुत सारे मुद्दों पर नहीं होता, तो उसके चलते वो अपना कुछ ऐसा निर्णय लेते हैं जिससे उनका करियर, उनका लाइफ प्रभावित होता है। तो फिर हम लोगों का प्रयास ये रहता है कि हम उनको समझाएं, स्कूल कॉलेज में जाएं, गांवों में जाएं, बच्चे बच्चों से इंटरेक्ट करें, उनके पेरेंट्स से इंटरेक्ट करें और उनको बताएं कि भाई आप उनको स्पेस दीजिए और स्पेस देने के साथ ही साथ उनको हम ये बताएं कि इसके अगर आपने कोई ऐसा डिसीजन ले लिया जो निर्णय सही नहीं है तो उसका आपके जीवन पर क्या असर पड़ेगा। तो इस तरीके से ये भी सारी बातें हम बच्चों को बता रहे हैं ताकि उनका जो कभी कभी निर्णय होता है कि हम घर से चले जाएंगे, किसी के साथ निकल जाएंगे, तो ये सब चीज़ों में रोकथाम हो। और चौथा जो हमारा उद्देश्य है साइबर बुलिंग का, आपको पता है कि आजकल हर घर में
काफ़ी मात्रा में मोबाइल्स यूज हो रहे हैं, इंटरनेट भी काफ़ी यूज हो रहा है। यूज़ का मतलब कि हम लोग का फोकस बेसिकली मिसयूज पार्ट पे है, इन द सेंस कि आपने देखा होगा कि बहुत सारे ऐप्स आजकल चल रहे हैं, हमारे सारा डेटा ऐप में जब डाउनलोड करते हैं उसके माध्यम से इंटरनेट में या साइबर स्पेस में चला जाता है और उसको मिसयूज़ किया जाता है, और मिसयूज़ करने के बाद हमारे परिवार में जो महिला सदस्यां होती हैं, बच्चियां होती हैं, उनको ज़्यादा प्रभावित करता है। आजकल बहुत सारी चीज़ें आ गई हैं, आपने देखा डीप फेक से लेकर के और तमाम आज AI यूज़ करके लोग मॉर्फिंग कर रहे हैं, तमाम चीज़ें हो रही हैं, तो इससे बच्चियों को अब महिलाओं को बचाना है। तो बेसिकली ये चार उद्देश्य लेकर के हम लोग गाँव में जा रहे हैं, स्कूलों में जा रहे हैं, और हमारा यूनिसेफ और हमारे डिपार्टमेंट प्रशासन के साथ विभागों के द्वारा ये पूरी एक टीम बनाई गई है ब्लॉक लेवल पे, 9 ब्लॉक हमारे फिरोजाबाद में हैं। आज बेसिकली 5 दिन के कार्यक्रम और ट्रेनिंग के बाद आज हम लोगों ने यहाँ पे एक रीओरिएंटेशन का कार्यक्रम रखा था। आइडिया ये था कि हम पिछले 5 दिनों में हमने क्या हमारे टेक रहे, हमने क्या सीखा वहाँ पे, क्या कैसा कार्यक्रम रहा, हमारे जो लोग जा रहे हैं वहाँ गाँव में धरातल पर जा रहे हैं उनके द्वारा क्या मैसेजिंग हो रही है, उनमें कहीं कोई मिसकम्युनिकेशन तो नहीं हो रहा है, इन सभी चीज़ों को जानने के लिए, और अगर बाय द वे उसमें कुछ इस तरह की बातें निकल रही हैं तो उसको रेक्टिफाई करने के लिए, उसको ठीक करने के लिए, और जो उद्देश्य हैं उसी के आसपास हमारी चीज़ों को आगे बढ़ाने के लिए हम लोगों ने आज यहाँ ओरिएंटेशन कार्यक्रम किया था, जो 2 घंटे का कार्यक्रम चला। हमारे सभी थानों के, हमारे सभी डिपार्टमेंट के लोग यहाँ पार्टिसिपेट किए, और मैं आशा ही नहीं विश्वास है कि यूनिसेफ के सहयोग से और बाकी जो हमारी टीम्स, हमारे DM सर, कमिश्नर मैम के जो टीम्स मेंबर्स हैं उनके द्वारा हम लोग इस कार्यक्रम को काफ़ी आगे बढ़ाएंगे, सफल बढ़ाएंगे, और जो एक समाज के लोगों की सोच में, व्यवहार में, विचार में जो परिवर्तन लाने का एक बहुत बड़ा एक बीड़ा हमारे जोन के ADG मैम ने उठाया है, इसमें हम लोग काफ़ी सफल होंगे।